हसनपुरा पंचायत के हसनपुरा गांव में नल जल योजना पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेढ़ वर्षों से बना नल जल योजना का पानी टैंक आज तक चालू नहीं हुआ है। उसके साथ ही गांव में नल जल योजना के लिए हर गली को तोड़ दिया गया है, जिससे गली में कीचड़ का जमाव हो गया है, लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पानी का टंकी सुबह का वस्तु बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव की यह तस्वीर है, जिस रास्ते में कीचड़ लगा उसी रास्ते से लोगों का आना जाना होता है। जिप सदस्य धनंजय यादव ने कहा कि हसनपुरा पंचायत में पुराने समय का आहार आज के समय पूरी तरीके से इनक्रोचमेंट हो गया है। करोड़ों रुपए के लागत से आहार को साफ सफाई के लिए पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आहार के सफाई कितना हुआ है। आहार के बंद हो जाने से हसनपुरा पंचायत के हसनपुरा गांव में जल जमाव की समस्या विकराल होते जा रहा है। अभी बरसात शुरुआती दौर में है और अभी से ही लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अधिकारियों की नजर इस जगह पर क्यों नहीं जा रहा है। जिप सदस्य ने और कई गंभीर आरोप भी लगाए, यहां तक के लिए उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी केवल नाम के लिए विकास पदाधिकारी हैं, आखिर इनके नाम में विकास क्यों लगा हुआ है। जब विकास ही नहीं करना तो क्यों ये योजनाओं के लिए बार बार मीटिंग किया जाता है। मीटिंग के पश्चात भी आज तक गांव की स्थिति, हम लोग भी घूम के देखे हैं, अभी काफ़ी देर से हम लोग घूम रहे हैं, कोई भी ऐसा गली इस गांव में हमको नहीं लगता है कि बचा है जो सात निश्चय योजना के तहत तोड़ा नहीं गया हो। तोड़ लिया गया, उसमें पाइप डाला गया और उसकी मरम्मती अभी तक किसी गली में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं, दूसरा चीज़ है देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ के लोगों के निजी ज़मीनों में भी इस तरीके का जल जमाव, निजी क्षति भी हो रही है। ये जो अभी हम लोग खड़ा हैं, ये पूरा वहाँ से आहार आता है, सरकारी आहार, और ये जाकर के आगे पुल भी बना हुआ है, करोड़ों की लागत से बिहार सरकार के द्वारा वहाँ पुल बना है पुल निगम से। सवाल है कि यहाँ आप गली नली योजना के तहत जब आप लोगों का गली नली ही नहीं बन रहा है तो पानी का निकासी चाहिए ना कहीं गांव के अंदर का पानी का निकासी का सारा रास्ता अवरुद्ध हो गया है, और जब तक अवरुद्ध होगा पानी निकलेगा नहीं। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हम तो बिहार सरकार को ना कहेंगे या ग्राम पंचायत के मुखिया को हम कहेंगे। अभी और क्या क्या यहाँ समस्या आगे की ओर थोड़ा चलते। हसनपुरा पंचायत के हसनपुरा गांव में नल जल योजना पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेढ़ वर्षों से बना नल जल योजना का पानी टैंक आज तक चालू नहीं हुआ है। उसके साथ ही गांव में नल जल योजना के लिए हर गली को तोड़ दिया गया है, जिससे गली में कीचड़ का जमाव हो गया है, लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पानी का टंकी सुबह का वस्तु बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव की यह तस्वीर है, जिस रास्ते में कीचड़ लगा उसी रास्ते से लोगों का आना जाना होता है। डेढ़ साल से ही बन यहाँ लग रहा है, डेढ़ दो साल से काम लगा हुआ है और बन के तैयार हुआ भी एक साल से अधिक हो गया, लेकिन आज तक पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये तो काफी अत्याधुनिक के पानी का जो लगाया गया है वाटर टैंक, तो हम लोग ये 100 पीस है अभी, तो ये तो देख रहे हैं जो है, लेकिन जब तक पानी हमारे घर में ना मिले तो इससे क्या ये इसमें आरओ भी लगाया गया क्या? ये आरओ का प्लांट के तरह से कुछ दिख रही है, इतना तो जानकारी है नहीं, लेकिन सब आधुनिक चीज हम देख रहे हैं कि लग रहा है, क्योंकि पानी जो सप्लाई है तो ये तो पीने के लिए पानी होगा। हाँ, पीने के लिए ही कहा जाता है कि पीना है, इसीलिए सब घर में एक नल फिट किया गया है। हाँ, और पहुंचा कि नहीं पानी? बीच में पाइप टूट फूट गई था, जहाँ तहाँ पाइप टूट जाने का ही बता रहा है लोग, शिकायत यही आते हैं लोग कर्मचारी इनका, तो और गाँव तक अब घर तक पानी भी पहुँचा नहीं है। ठीक, क्या नाम है आपका? अमर कुमार यादव। तो चलिए, जिप सदस्य धनंजय यादव ने कहा कि हसनपुरा पंचायत में पुराने समय का आहार आज के समय पूरी तरीके से इनक्रोचमेंट हो गया है। करोड़ों रुपए के लागत से आहार को साफ सफाई के लिए पैसे निकाले जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि आहार के सफाई कितना हुआ है।
आहर के बंद हो जाने से हसनपुरा पंचायत के हसनपुरा गांव में जल जमाव की समस्या विकराल होते जा रहा है। अभी बरसात शुरुआती दौर में है और अभी से ही लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अधिकारियों की नजर इस जगह पर क्यों नहीं जा रहा है। जिप सदस्य ने और कई गंभीर आरोप भी लगाए, यहाँ तक के लिए उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी केवल नाम के लिए विकास पदाधिकारी हैं, आखिर इनके नाम में विकास क्यों लगा हुआ है? जब विकास ही नहीं करना तो क्यों ये योजनाओं के लिए बार बार मीटिंग किया जाता है? मीटिंग के पश्चात भी आज तक गांव की स्थिति बदहाल है। आरा सदर प्रखंड के नजदीक पड़ने वाला यह हसनपुरा पंचायत है, तो पूरे जिले में क्या हाल होगा आप इन तस्वीरों से खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और क्या कुछ कहा जिप सदस्य धनंजय यादव ने, आइए सुनते हैं। पानी मुख्य पथ पर है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह दो प्रखंडों को जोड़ने वाला पथ है, आरा प्रखंड और संदेश प्रखंड को जोड़ने वाला या आरा सलेमपुर भाया गोठौला मुख्य मार्ग है। और उस मुख्य मार्ग की स्थिति है कि यहाँ बहुत सारे जगहों पर घुटनों तक पानी को खेल करके लोगों को अपने घर रोज आना जाना पड़ता है, तो इस तरह की समस्या है यहाँ पर। तो अभी जो यहाँ जो घरों में पानी अभी तो गया है, महामारी का समय चल रहा है, तो इसके लिए अभी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं किया गया क्या? हम तो जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं क्या व्यवस्था किया गया है। एक दिन कोई प्रखंड स्तर का पदाधिकारी भी या कर्मचारी भी यहाँ देखने के लिए? सुधार होगा या कुछ किसके लापरवाही से इस तरीके का यहाँ समस्या जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, बिहार सरकार जो है विकास का ढोल कर रही है, ढोल पीट रही और ढोंग कर रही है। विकास के लिए कम से कम हमको लगता है कि प्रतिवर्ष 200-400 मीटिंग होता है प्रखंड स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, लेकिन आप धरातल पर विकास को देखने आइएगा, खोजने आइएगा, तो कहीं विकास आपको दिखाई नहीं देगा। किसी भी गाँव में आप जाइए, वो जो आया था कि आपको पाइपिंग करके मेंटेनेंस करना है, जो सड़क आप तोड़ रहे हैं उसमें पाइप डाल रहे हैं उसको मेंटेन करना है, किसी भी गांव में नहीं हुआ, पूरे प्रखंड में हम कह रहे हैं। उसके बाद किसी भी गांव में, कोई ऐसा गांव नहीं है आरा प्रखंड में कि उस गांव में हर घर को नल का जल मिल गया हो, या कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है इस आरा सदर प्रखंड में कि जिस पंचायत में नली गली का काम, हर गली और हर नली का काम हो गया हो। इसी तरीके का माहौल सारे पंचायतों में बना है। दूसरा चीज़ है कि अभी जल जीवन हरियाली जो बिहार सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके फोकस करने के लिए बिहार सरकार ने कोरोना जैसे वैश्विक समस्या बीमारी महामारी के रहते हुए भी बैठकें की हर स्तर पर, प्रखंड से लेकर के जिला और राज्य स्तर पर भी। फिर भी आप बताइए, अब देखिए जल जीवन हरियाली का ये पेड़ गिरा है, आप नया पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आहर नहर के नहीं सफाई होने से जो जल जमा हो रहा है उससे नए नए पेड़ों के जड़ कमज़ोर होकर गिर रहे हैं। देखिए उधर, आप नया कहाँ से जल जीवन हरियाली, कहाँ से हरियाली लेकर आइएगा? जो पहले से भी गाँव में हरियाली है वो भी तो नुकसान हो रहा है। आप बताइए कि हमारा सदर प्रखंड जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो प्रथम चरण में जो योजनाओं का चयन हुआ, हमारे आरा सदर प्रखंड के किसी भी पंचायत से एक भी योजना का चयन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसकी कभी जांच की गई है? क्या आरा सदर प्रखंड के किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में सरकारी ज़मीन नहीं है जहां सोखता का निर्माण हो, या आरा सदर प्रखंड के किसी भी पंचायत या किसी भी गाँव में? आप बताइए क्या नहीं है, आहार नहार नहीं है?
इस पूरे प्रखंड में किसी भी पंचायत में नहर नहीं है, बस कागजों पर मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों के द्वारा सफाई की जा रही है, जो ऑन दी पेपर हो रहा है, धरातल पर नहीं हो रहा है। बस रात में अभी तो पानी शुरुआती दौर में है।